अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज हमने एचटीएमएल के हेड और बॉडी सेक्शन के बारे में पढ़ना है, क्यों कैसे काम करते हैं। स्टूडेंट्स, एचटीएमएल डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो सबसे पहला टैग यूज होता है वो एचटीएमएल का टैग है, और सबसे एंड पे जो टैग यूज होता है वो फॉरवर्ड स्लैश के साथ एचटीएमएल का टैग है। इन दोनों टैग्स के दरमियान हमारा पूरा कंटेंट जो हम वेब पेज पे शो करवाते हैं वो हम लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स, एचटीएमएल के कोड के अंदर दो सेक्शन होते हैं, हेड सेक्शन और बॉडी सेक्शन। यहाँ ये देखें, हेड सेक्शन के अंदर हम टाइटल देते हैं, जो हम वेब पेज पे हमने टाइटल देना होता है, जो हम चाहते हैं कि हमारे वेब पेज पे टाइटल नजर आए उसे हम उन्वान जिसे बोलेंगे वो हम हेड सेक्शन के अंदर देते हैं। और बॉडी सेक्शन के अंदर हमारा पूरा कंटेंट जो वेब पेज पे शो करवाया जाता है डाटा, हम वो बॉडी सेक्शन के अंदर लिखेंगे। हाँ जी स्टूडेंट्स, हेड सेक्शन के अंदर आपने स्टार्टिंग टैग हेड के साथ और उसके अंदर आपने टाइटल देना है, और टाइटल के अंदर आपने जो आप लिखना चाहते हैं वो देंगे। ये स्टार्टिंग टैग है हेड का और ये एंडिंग टैग है हेड का। इनके अंदर आप टाइटल देंगे, टाइटल का स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग के साथ। ये देखें, टाइटल का स्टार्टिंग टैग है और ये एंडिंग टैग है। इसके अंदर इन्होंने कहा हुआ वेलकम टू क्लास 9 ऑफ माय स्कूल, ये हमने टाइटल देना है। और इसके बाद बॉडी पे आ जाए, बॉडी सेक्शन के अंदर हमारा सारा डाटा, सारा वो कंटेंट जो हम वेब पेज पे शो करवाना चाहते हैं वो इसके अंदर हम लिखेंगे। तो चलते हैं स्टूडेंट अपने पुराने कोड में, और उसमें कुछ एडिटिंग करके, चेंजिंग्स करके हम हेड और बॉडी को समझते हैं। यहाँ एचटीएमएल के अंदर हमने हेड को ऐड किया, ये हेड का स्टार्टिंग टैग है और फॉरवर्ड स्लैश के साथ एंडिंग टैग है। अब इनके दरमियान में टाइटल टैग मैं लिखूंगी, टाइटल टैग, स्टार्टिंग टैग और उसका एंडिंग टैग। अब इसके अंदर मैं टाइटल देना चाहती हूँ जो बुक पे उन्होंने कहा हुआ है, तो देखते हैं बुक पे उन्होंने कहा हुआ है वेलकम टू क्लास 9 ऑफ माय स्कूल, तो मैं भी यही टाइटल के अंदर राइट कर दूंगी। वेलकम टू क्लास 9 ऑफ माय स्कूल। हाँ जी, यहां तक ये हेड सेक्शन कंप्लीट हो गया। ये मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि ये हेड सेक्शन है, इसके अंदर टाइटल दिया जाता है, और ये बॉडी सेक्शन है जिसके अंदर जो चीज हम वेब पे शो करवाना चाहते हैं वो इसके अंदर लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स, देखते हैं इसे रन करके कि इसका आउटपुट कैसे वेब पेज पे शो होता है। यहां मैंने लेक्चर 4 के नाम से बनाया हुआ था, इसे डबल क्लिक किया तो ये देखें कि टाइटल आ गया वेलकम टू क्लास 9 ऑफ माय स्कूल, इसे मैं पॉइंट आउट करके भी बता देती हूँ आपको, ये देखें। और ये बॉडी जो है, जो बॉडी के अंदर हमने राइट किया वो यहाँ नीचे लिखा गया माय फर्स्ट हेडिंग, माय फर्स्ट पैराग्राफ। कोड के साथ मैं आपको रिलेट करके भी दिखा देती हूँ कि ये हेड सेक्शन है, इसकी जो चेंजिंग्स हैं वो सामने ऊपर आएंगी जहां मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। इसके अंदर
और बॉडी सेक्शन के अंदर जो लिखा जाएगा वो वेब पेज पे शो होगा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में फॉर्मेटिंग टेक्स्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़।